बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन 4 पार्ट 7 करते हैं। क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनामियल्स। फैक्टर थ्योरम को यूज़ कर गए इस पॉलिनामियल को फैक्टराइज करना है। पॉलिनामियल है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। पॉलिनामियल ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। सबसे पहले हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनामियल फाइंड करेंगे, मीन्स हम एक्स की जगह ऐसी वैल्यू लगाएंगे कि इस पॉलिनामियल से ज़ीरो आ जाए। तो अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करके इसको चेक करेंगे कि कौन से वैल्यू से हमारे पास ज़ीरो आएगा इस पॉलिनामियल से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम वन से स्टार्ट लेंगे, तो वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स वन प्लस 24, तो इससे आता है 10। तो वन इसका ज़ीरो पॉलिनामियल नहीं है, तो अब मैं माइनस वन लगाऊंगा, तो माइनस वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स माइनस वन प्लस 24, इससे आता है 36। तो माइनस वन भी ज़ीरो पॉलिनामियल नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे टू, तो टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स टू प्लस 24, इससे आ गया ज़ीरो। तो टू इसका ज़ीरो पॉलिनामियल है। तो अब हम x की जगह टू लगा लेंगे, पुट x इज इक्वल टू टू, पुट x इज इक्वल टू टू, तो पॉलिनामियल ऑफ टू इज इक्वल टू टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स टू प्लस 24। सो पॉलिनामियल ऑफ टू, टू क्यूब से आता है टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, माइनस टू टू ज़ार फोर, 14 टू ज़ार 28 प्लस 24, तो इससे आता है ज़ीरो। तो टू हमारे पास ज़ीरो ऑफ पॉलिनामियल है। अगर हम टू को इस साइड पर शिफ्ट कर लें तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू इसका एक फैक्टर हो जाएगा। एक्स माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ जो गिवन पॉलिनामियल है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, तो ये इसका फैक्टर है, तो इससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स एक्स प्लस 24 डिवाइड बाय एक्स माइनस टू। इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है एक्स क्यूब। अगर हम इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें एक्स के साथ, तो इससे आएगा एक्स क्यूब, और फिर इसको माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, और ये माइनस वन यहाँ पर वन होता है, तो माइनस वन प्लस टू से आता है प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। अब यहाँ पर है x और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई कर लें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो अगर हम इसके साथ x मल्टीप्लाई कर लें प्लस x, तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 2x, साइन चेंज हो जाएंगी, ये कट जाएगा, और माइनस 14 प्लस 2 इससे आता है माइनस 12, तो माइनस 12x प्लस 24। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर लें कि माइनस 12x आ जाए, तो अगर हम इसके साथ माइनस 12 मल्टीप्लाई कर लें जिससे आएगा माइनस 12x, तो माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 12 2 24, ये भी कट जाएगा और ये भी, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
माइनस 12। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर ली तो इससे आता है माइनस 12x2 और दरमियान में है हमारे पास x। अब हमें ऐसे दो टर्म चाहिए, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें कि माइनस 12x2 आ जाए और ऐड कर लें कि x आ जाए तो वो है हमारे पास 4x-3x। 4 3 12, 4 3 1, दरमियान वाले टर्म की जगह ये आ जाएगा x2 + 4x - 3x - 12। अब हम इनको ग्रुप कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में x कॉमन है तो बाकी बच जाएगा x + 4, और इन दोनों में -3 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा x प्लस प्लस हो जाएगा ये 4 3 12, तो एक हो गया x + 4 और एक हो जाएगा x-3, और एक हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं जो कि है x-2, और ये हो गया x-3 और x+4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।